नमस्कार दोस्तों, कथा मंच में आपका स्वागत है। कथा मंच में मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ भगवान बुद्ध की एक प्रेरक कहानी। एक समय की बात है, भगवान बुद्ध एक गांव में लोगों को संदेश दे रहे थे, प्रवचन चल रहा था। वहाँ उनका प्रवचन सुनने के लिए लोगों की बहुत भीड़ उमड़ पड़ी थी। प्रवचन में भगवान बुद्ध लोगों को सहनशीलता और क्षमा की शिक्षा दे रहे थे। भगवान बुद्ध ने कहा कि क्रोध आग है जो न केवल दूसरों को जलाती है बल्कि खुद को भी जलाकर राख कर देती है, इसलिए क्रोध का त्याग करो और क्षमाशील बनो। प्रवचन सुन रहे लोगों में एक व्यक्ति भगवान बुद्ध की इन बातों से सहमत नहीं था। वह भगवान बुद्ध की बातें सुनते सुनते गुस्से में उठ खड़ा हुआ और उसने कर्कश स्वर में भगवान बुद्ध से कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो, मैंने तुम जैसा पाखंडी भिखारी नहीं देखा। तुम अपनी बातों से लोगों को बरगला रहे हो, भ्रामक बातें फैला रहे हो, क्या आपको शर्म नहीं आती? भगवान बुद्ध ने उसकी बात सुनी लेकिन उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह पहले जैसे ही शांत थे, यह देखकर उस व्यक्ति का क्रोध और बढ़ गया। वह बुद्ध को और भी भला बुरा कहने लगा लेकिन भगवान बुद्ध फिर भी शांत रहे। उसने गुस्से में आकर भगवान बुद्ध के मुंह पर थूक दिया और वहां से गुस्से में चला गया। भगवान बुद्ध फिर भी शांत रहे। उन्होंने अपना प्रवचन शांत किया। बाद में अपने दूसरे शिष्यों के साथ में उस गांव को छोड़कर दूसरे गांव की ओर चले जाए। अब भगवान बुद्ध तो उस गांव में प्रवचन देकर दूसरे गांव की ओर चल पड़े थे, लेकिन वह व्यक्ति जो भगवान बुद्ध के ऊपर बहुत गुस्सा हुआ था, क्रोधित हुआ था, जिसने भला बुरा कहा था, जब वह अपने घर गया और जैसे जैसे उसका गुस्सा कम होने लगा और जब जब उसने भगवान बुद्ध की बातों को ध्यान लगाया, उस पर उसने सोचा, तब उसे लगा कि नहीं, भगवान बुद्ध सही कह रहे थे और मैं ही गलत था। शायद मैंने ही बिना सोचे समझे गुस्से में आकर उनको भला बुरा कहा है। उनके बारे में सोचकर वह पश्चाताप करने लगा। उसके मन में ग्लानि होने लगी। उसे लगा कि भगवान बुद्ध के पास जाकर माफ़ी मांगनी चाहिए। पश्चाताप से भरकर माफ़ी मांगने की इच्छा से वह दौड़कर तुरंत उस स्थान पर गया जहां भगवान बुद्ध अपना प्रवचन दे रहे थे। लेकिन जब वहां पहुंचा तो भगवान बुद्ध अगले गांव की ओर जा चुके थे। वह सारी रात अपने आप को कोसता रहा। उसने सोचा कि मैंने आज भगवान बुद्ध के साथ में बहुत बदतमीजी की है, मुझे उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। उन्होंने जो कहा था मुझे उस पर पहले विचार करना था, सोचना था, समझना था, फिर प्रतिक्रिया देनी थी। इतना क्रोध नहीं करना था। सारी रात वह बहुत परेशान रहा। सुबह उसने देखा कि गांव के लोग भगवान बुद्ध के प्रवचन सुनने दूसरे गांव जा रहे हैं, तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं भी इनके साथ में जाकर भगवान बुद्ध से माफ़ी मांगूं। वह दूसरे लोगों के साथ में अगले गाँव की ओर भगवान बुद्ध के पास चल पड़ा। वहां जाकर देखता है भगवान बुद्ध उस गांव के लोगों को प्रवचन दे रहे हैं। भगवान बुद्ध को देखकर वह उनके पास गया और रोते हुए उनके पैर पकड़ लिए और उनसे क्षमा याचना करने लगा। बुद्ध ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा और पूछा कि तुम कौन हो, तुम माफी क्यों मांग रहे हो, उठ जाओ। आदमी ने जवाब दिया, तुमने मुझे नहीं पहचाना, मैं वही इंसान हूँ जिसने कल आपके साथ बदसलूकी की थी। मैंने जो किया वह गलत था, मैं आपसे क्षमा मांगने आया हूँ। बुद्ध ने शांति से कहा, भाई जिस कल की तुम बात कर रहे हो वह बीत चुका है। मैं कल की सारी घटनाओं और बातों को छोड़कर आगे बढ़ गया हूँ, अब मैं यहाँ हाजिर हूँ। आप कल में क्यों रह रहे हो? आपने कल जो किया उसका आपको पछतावा है? अगर तुम्हें इसका पछतावा है तो तुम्हारा हृदय पवित्र हो गया है। अब उन बातों को वहीं छोड़ दो और वर्तमान में आकर अच्छे कर्म करके अपना वर्तमान सुधारो। बीती बातों को याद करके अपना वर्तमान क्यों खराब करते हो? भगवान बुद्ध की बातें सुनकर उस व्यक्ति की आंखों में आंसू बहने लगे। उसने उन्हें प्रणाम करते हुए कहा कि अब से मैं क्रोध को त्याग कर अपने जीवन में प्रेम और करुणा का समावेश कर लूँगा। मैं अपने कर्म से अपने जीवन को बेहतर बनाऊँगा ताकि जीवन में किसी भी चीज़ का पछतावा ना हो। मित्रों, भगवान बुद्ध और उस क्रोधी व्यक्ति की कहानी हमें यह सीख देती है कि अक्सर जीवन में की गई गलतियों को हम अपने दिल में रखते हुए उस अपराध बोध के बोझ को जीवन भर ढोते रहते हैं और अपने पछतावे की आग में जलते रहते हैं।
एक त्रुटि जो हुई है उसे सुधारा नहीं जा सकता, इसलिए हमें उसे दोबारा न दोहराने के संकल्प के साथ में जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। जो बीत गया उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, वर्तमान हमारे नियंत्रण में है। क्यों ना अच्छे कर्म करके अपने वर्तमान को हम बेहतर बनाएं और बेहतर जीवन जिए।